एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा, मैं दीदी को सरप्राइज देने के लिए मुंबई गई थी, तो वो वाला वीडियो मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा, सरप्राइज मेरा बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद मैं दीदी के यहाँ पे 2 दिन रुकी और हम सब गए मॉल, मस्ती करे घूमने के लिए। तो मॉल में जाके सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों ने अश्विन ने खाया फ्रेंच फ्राइज और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, कॉफ़ी पिया। और फिर यहाँ पर मस्ती करने के बाद हम लोगों ने मॉल में थोड़ा सा घूमा। तो मॉल में यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं सामने फ्ली मार्केट वगैरह लगा हुआ है, तो वो सब हम लोगों ने घूमा, एक्सप्लोर किया। ये वाले मार्केट ना बस देखने के लिए ही होते हैं, बाकी इनका कॉस्ट ज़्यादा हाई होता है ना। ऊपर से अगर ये मॉल में लग गया तो फिर तो इसके कॉस्ट इतने हाई हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करना ही प्रेफर करती हूँ। तो ये सब मार्केट हम लोगों ने घूमा। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए यहाँ पर, और फिर हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। मॉल जाए और फ़ोटो क्लिक ना करें, कहीं बाहर भी घूमने जाए और फ़ोटो क्लिक ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करी। उसके बाद फिर ये मार्केट हम लोगों ने घूमना चालू किया। एक एक करके हमने सारी शॉप्स देखी, घूमा, सामान देखा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्स के शॉप है, देन यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप है, और भी सब खाने पीने का सारे शॉप्स लगे हुए थे, तो वो सारी शॉप्स हम लोगों ने देखी। उसके बाद फिर अशोक को मिनी बस में घूमना था, तो उसने बस में घूमा, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, उसे बहुत ही मज़ा आया बस में घूम के। काफ़ी टाइम से हम लोग मॉल जाते हैं जब भी, तो वो उसको कार या फिर बस में नहीं घूमना होता है, लेकिन इस टाइम उसे घूमना था, तो हमने उसे बस में घुमाया और उसने बहुत ही इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग अंदर तरफ आए, अंदर की तरफ मॉल में बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत ही सारी लाइटिंग वगैरह थी, बहुत ही अच्छा लगा देखकर और बहुत ही मस्त लग रहा था। क्रिसमस का डेकोरेशन था सारा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग घूमने के लिए गए मॉल से हम लोग जल्दी ही घर चले गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए मार्केट घूमने के लिए। तो मुंबई में मैंने उल्लासनगर के बारे में बहुत ही सुना था, उल्लासनगर मार्केट के बारे में, तो मैं और मेरी दी उल्लासनगर मार्केट घूमने गए थे। तो हम लोग पहुँचे मार्केट और फिर यहाँ पे सारी शॉप्स और सब कुछ हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया। पहली बार ही गई थी मैं मार्केट, तो ज़्यादा मार्केट के बारे में आइडिया नहीं था मुझे कि क्या कैसा मार्केट है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग करना स्टार्ट की। थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग की, ज़्यादा कुछ नहीं किया। इयरिंग्स वगैरह, मुझे लॉन्ग इयरिंग्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं लॉन्ग इयरिंग्स पहनना, तो मैंने यहाँ पे इयरिंग्स लिए। उसके बाद हम लोग शू की शॉपिंग गए, तो हम लोगों ने कुछ शूज़ और सैंडल्स वगैरह खरीदे। उसके बाद फिर अंदर की गलियों में, ये काफ़ी बड़ा मार्केट है अंदर की गलियों में, तो ये भी हम लोगों को नहीं पता था क्योंकि हम लोग बार बार ही घूम रहे थे। फिर जब हम लोग को ये वाला पता चला, तो फिर हम लोग अंदर की तरफ गए। हम लोगों ने मैंने कुछ वॉच वगैरह भी खरीदी मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए। और फिर और भी अंदर हम लोग गए, तो यहाँ पर सारा ही क्लोथिंग वाला मार्केट था, तो ये सारा मार्केट हम लोगों ने घूमा, एक्सप्लोर किया। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, बस हम लोगों ने घूमा अंदर, और थोड़ा देर घूमने के बाद फिर हम लोग घर वापस ही चले गए थे। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय बाय।